मैं मानती हूँ कि तैमूर की मौत की वजह नाजिम भाई की दुश्मनी बनी थी, ये तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि कुदरत को यही मंजूर था? जिंदगी और मौत के फैसले इंसानों की दुश्मनियाँ नहीं करती। जवाज बनना भी मेरी नजर में कसूर ही रहता। ठीक है, मान लिया, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो? सारी गलती मेरी है यार, सारी खराबी की वजह मैं हूं। जानती हूँ, आज भी जब मेरी आंख लगती है ना, मेरी ख्वाबों में उसकी बद्दुआएं गूंजती हैं। मैं तैमूर की बेवा हूं रिदा, लेकिन मेरे ख्यालों में फरहाद है। मुझसे बुरी औरत और कौन हो सकती है कि मैं तैमूर की मौत के बाद भी उसकी वफादार नहीं हो पा रही पूरी तरह। मेरे दिलो दिमाग में अभी तक एक नामहरम है, और वो नामहरम जिसकी मौत की वजह मैं बनी। मुझसे दो लोगों ने मोहब्बत की, एक वो जिसकी मैं हो ना सकी, और दूसरा जो मेरा ना रह सका। और तुम कहती हो कि मैं खुद को कसूरवार ना समझू, खुद को इल्जाम ना दू। माही, जो होना था वो हो गया, अब खुद को सजा दे के तुम तैमूर को वापस तो नहीं ला सकती। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे, उनके बारे में तो सोचो। यहाँ बैठ के नेगेटिव बातें सोचती रहोगी तो फिर ऐसे ही ख्वाब आएंगे ना तुम्हें। तुम इंसान हो माही, कोई मशीन नहीं हो जो ऑन ऑफ का बटन दबाओगी और फिर अपने ख्यालात और अपने ख्वाब कंट्रोल कर लोगी। कोई जुर्म नहीं किया है तुमने। जुर्म हमेशा वही नहीं होता जो साबित हो जाए। कुछ जुर्म आपके दिल पर निशान छोड़ देते हैं, और अब मुझे इन्हीं निशानों के साथ जिंदा रहना। नहीं कर सकती।